हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केलकर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। मैं अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ, जो कि महाराष्ट्र में है। आज मैं सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में बात करने वाली हूँ। सोशल मीडिया एडिक्शन ऐसा ये अभी तक डायग्नोसिस साइकेट्री में हुआ नहीं है, पर इट इज़ ऑन इट्स वे। अभी फ़िलहाल इंटरनेट एडिक्शन ये डायग्नोसिस हम करते हैं, पर हम सब देखते हैं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों का, हम सब का बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत टाइम निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। और इसकी वजह से, सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी स्ट्रेस होता है, झगड़े होते हैं। हम देख ही रहे हैं कि जो सर्कुलेट होते हैं मैसेजेस, वो सर्कुलेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फेक न्यूज़ पे के ऊपर हम हमारा टाइम, एनर्जी, सब कुछ वेस्ट करते हैं। तो एक सोशल मीडिया एक हिस्सा हो गया है हमारे लाइफ का, पर ये कैसे पहचाना जाए कि ये अगर एडिक्शन के तरफ जा रहा है या एडिक्शन हो गया है, ये आप कैसे पहचानेंगे? सोशल मीडिया पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हमें पता चलती है, तो काफ़ी लोग बहुत यूज़ करते हैं और वो जस्टिफाई करते हैं कि हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो एक अच्छी बात है। पर एक एडिक्शन भी हो जाता है, बहुत टाइम जाता है, तो कैसे पहचाना जाए कि एडिक्शन है? तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे हिसाब से ऐसा अगर वो होंगे तो ऐसा बोल सकते हैं कि आप एडिक्ट हो गए हो, कि आप बहुत ज़्यादा टाइम उसमें डाल रहे हो, यानी कि मोर देन 4 आवर्स इन अ डे, 4 घंटों से ज़्यादा आप अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हो या फिर देख रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आप काम पे भी जा रहे हो और काम का जो वक्त है वो भी सोशल मीडिया में आप ज़ाया कर रहे हो, तो वो ज़्यादा हो गया है। और फिर हमेशा एक चेक करने की आदत हो गई है आपको, कहीं भी बैठे हो तो चेक करना है कि क्या क्या अपडेट्स है, अगर वो कर रहे हो तो आपको एडिक्शन की तरफ आप जा रहे हो। और जो पॉइंट्स है, यानी कि आप कहीं भी गए तो चेक इन करना है, फेसबुक पे चेक इन करना है, जहाँ भी गए वहाँ के फ़ोटोज़ तुरंत आपको अपलोड करने हैं, लाइक्स आपको देखने हैं कि किस किसने लाइक किया है, किस किसने कमेंट किया है। अगर बहुत लाइक्स होते हैं तो आपको एक प्राउड फीलिंग आती है, बहुत गर्व महसूस होता है, तो ये साइंस हो सकते हैं। आपको जो फेसबुक पे लाइफ है, ट्विटर पे जो चल रहा है, वो ज़्यादा हैपनिंग लगता है, मोर देन जो आपके घर में चालू है या आपके सोसाइटी में चालू है, उससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट फेसबुक में ज़्यादा है, ट्विटर पे क्या चालू है इस पे ज़्यादा है, तो वो लाइफ ज़्यादा हैपनिंग लग रही है, तो ये मतलब बैलेंस बिगड़ रहा है। और चीज़ें, यानी कि आप रैंडम लोगों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो एज फ्रेंड्स, मतलब जिनको आप पहचानते भी नहीं हो पर उनको आप ऐड कर रहे हो, आपके फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर रहे हो, अगर ये हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर वक्त आपको एक इंटरनेट नहीं होगा तो महसूस हो रही है कुछ ना कुछ कमतरता है, इरिटेशन हो रहा है, या फिर स्ट्रेस्ड आउट लग रहा है, या फिर इंटरनेट चाहिए ऐसा ही लग रहा है, तो हो गया है एडिक्शन। और एक रिचुअल सा बन गया है, कि यानी कि ये एक रिचुअल हो गया है आपके लाइफ का, मतलब इसके सिवा आप जी नहीं सकते, और अगर ये ना निकल जाए लाइफ से तो लाइफ में इरिटेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो आप एडिक्शन के तरफ जा रहे हैं, और ये आपने रोकना चाहिए, तुरंत रोकना चाहिए। इसके लिए थेरेपी आजकल अवेलेबल है, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास। बहुत सारे लोगों को इंटरनेट एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, ये हो रहा है, सर्फिंग एडिक्शन, यानी कि बहुत टाइम निकल जाता है, टाइम का कुछ ध्यान ही नहीं रहता कि कितना टाइम निकल गया है। तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अगर ऐसा लग रहा है आपको तो आप कट डाउन करिए तुरंत। कट डाउन नहीं हो रहा आपसे तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास से। अगर इस बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए होगी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और वीडियोस लेके आऊँगी और इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी साइकेट्री और बाकी इलनेसेस और इन जनरल लाइफ कैसा बेटर हो सकता है इसके बारे में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।